मंत्री हो या एसएसपी या जिला अधिकारी, सावधान, दो अधिकारी नपे, अब 50 की लिस्ट तैयार, भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं। योगी ने तैयार की भ्रष्ट अधिकारियों की हिट लिस्ट। जिन्हें सपना आया था कि योगी मट जाएंगे, वो अधिकारी अब निशाने पर हैं। और क्या वाकई में सीएम योगी ने भ्रष्ट अधिकारियों की हिट लिस्ट तैयार की हुई है? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो फिर कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो सीएम योगी के निशाने पर हैं? सब कुछ बताएंगे हम आपको, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी तस्वीर शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसकी शुरुआत गाजियाबाद और सोनभद्र से हो चुकी है और आगे भी जारी रहने वाली है। 3 दिन पहले ही महज 3 घंटे योगी ने एक जिलाधिकारी और एक एसएसपी की नींदें उड़ा दी थी और उन्हें हटा दिया था। लेकिन ये लिस्ट यही नहीं खत्म होती है, बहुत जल्द इसमें दर्जनों नाम शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। पहले बात सोनभद्र की कर लेते हैं। सोनभद्र के जिलाधिकारी रहे टीके शिबू की करते हैं, जिन्हें चाहिए थी सपा की सरकार और जिन पर आरोप हैं जो चाहते थे फाइलों के बीच में हरे हरे नोटों की गड्डियां। वैसे देखा जाए तो इन पर तो योगी ने पहले ही नजरें टेढ़ी कर ली थी, लेकिन चुनाव में जनाब की कुर्सी बच गई। अब एक बार फिर से योगी सीएम बने तो तत्काल एक्शन में आ गए, ऐसा एक्शन लिया जो नजीर बन गया। जिन पर आरोप है कि सरकारी खजाने को बढ़ाने की बजाय इन्होंने अपने खजाने को बढ़ाने का काम किया। आखिर बेईमानी पकड़ी गई और योगी का बुलडोजर गरजा। ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे गाजियाबाद का भी था। अब जरा आपको उनकी कहानी भी सुनाते हैं जिन पर कई आरोप लगे। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार, इन पर तो अपराध को काबू करने का जिम्मा था। योगी के दूसरे कार्यकाल में सबसे बड़ा अपराध का जिला गाजियाबाद बन गया, जहां कुछ दिन पहले 25 लाख की लूट हुई। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर मिलते ही योगी एक्शन में आए, अपराधियों पर बुलडोजर चलता, उससे पहले ही अधिकारियों पर बुलडोजर चल गया। अधिकारी हटा दिए गए और संदेश दिया गया कि अपराध रोको या वर्दी उतारो। अब यूपी में योगी का स्टाइल आपको चाहे पसंद आए या फिर नहीं, लेकिन यूपी में योगी का अंदाज अब ऐसा ही होगा। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि वो अधिकारी कौन है जिनके आसपास बुलडोजर घूमता नजर आ रहा है? वो जिले कौन से हैं जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खराब हो रहे हैं, जहां अपराध बढ़ रहा है? लगाम सिर्फ डीएम एसपी पर ही नहीं कसी जाएगी, बल्कि छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सब पर नजर रहेगी। यानी जो गलती करेगा वो नपेगा। अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो यूपी में सपा की सरकार के सपने देख रहे थे। ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति नहीं मिलेगी जिनकी विचारधारा सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलती। कुछ अधिकारियों में सीएम योगी को लेकर हट है, यहां तक ये अधिकारी सीएम योगी को फॉलो तक नहीं करते। आईएएस बी चंद्रकला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, आईएएस बी चंद्रकला ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फॉलो करती हैं। अब ऐसे अधिकारियों की साइड नियुक्ति होगी, अगले 5 साल तक उनका कोई अता पता नहीं होगा। और अगर आपके जिले में भी कोई भ्रष्ट अधिकारी है और आपकी समस्या नहीं सुनी जाती, और अगर आप परेशान हैं तो अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। जनता की शिकायतों को सुनने के लिए और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार ने जन सुनवाई समाधान पोर्टल बना रखा है, जिसके लिए आप गूगल पर लिखें www.jansunwaiupnic.in और सीधे यूपी के सीएम के पास आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। और फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती तो आप 1076 पर सीएम योगी से सीधा शिकायत कर सकते हैं। और अगर तब भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपकी आवाज़ बनने के लिए हम तैयार बैठे हैं। ऐसे अधिकारियों के चेहरे से मुखौटा हम उतारेंगे। आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को अपनी शिकायत भेजें, हम आपके साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।